आज कैबिनेट की बैठक में अखिलेश सरकार ने 17 अति पिछड़ी जातियों को SC में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पिछली सरकार में भी अखिलेश ने ऐसे ही प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन मायावती सरकार ने फैसले को रद्द कर दिया था। अखिलेश के फैसले के बाद कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुहार, प्रजापति, राजभर और कुछ अन्य अति पिछड़ी जातियों को SC ST का दर्जा मिलेगा। अखिलेश का ये कदम यूपी चुनाव में जातिगत समीकरणों को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश इससे पहले कह चुके हैं कि उनकी पार्टी जातिगत समीकरणों पर नहीं बल्कि पिछले 5 साल के कामकाज और नोटबंदी से लोगों को हुई परेशानियों के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने मायावती को निशाने पर लेते हुए विकास कार्य गिनाए। अखिलेश ने कहा कि लोगों ने पत्थरों के हाथी लगवा दिए, वो हाथी खड़े के खड़े हैं, लेकिन हमने जो साइकिल ट्रैक बनवाया है वो हमेशा चलता रहेगा। वहीं अखिलेश के इस कदम के बाद यूपी में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। मायावती ने यूपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य सरकार विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत दांव खेलकर लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले ही अखिलेश सरकार ने ये दांव खेल दिया है, लेकिन इस दांव को अखिलेश सरकार को कितना लाभ मिलता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए DB Live।